Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका मेगा क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के मैथ का एक नया अध्याय शुरू करेंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आज हम लोग इस वीडियो में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फॉर्मूला को जानेंगे और आपको बताया जाएगा इस वीडियो में कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जितने भी आकृति होंगे उसका आप कैसे निकालिए। कोई बेहतरीन ट्रिक से आपको बताऊंगा जिससे आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा और आप जितने भी फॉर्मूला है जिसे आप आकृति देख रहे होंगे इसका जितना भी फॉर्मूला है आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप तुरंत चुटकियों में स्टार्ट कर सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, एक एक ट्रिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है और ये आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक फॉर्मूला है, अगर आप इसको अच्छी तरह से समझ जाते हैं, इसको अच्छी तरह से याद कर लेते हैं, तब आपका जो चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित 13.1, 13.2 जो भी एनसीईआरटी बुक में दिया उसको बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। देखिए पहला आकृति आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा, ये एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मतलब आयत। अब इस आयत का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अब इस आयत का हम ये निकाल सकते हैं कि ये आयत कितना स्थान घेरे हुए, देखिए ये इसका हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। तो देखिए एरिया की याद रखिएगा, एल और डी यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसका जो एरिया निकलेगा यानी कि इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा वो निकलेगा एल गुना बी यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई। अब ये देखिए एल बी रेक्टेंगल के लिए, क्यूबॉइड के लिए, स्क्वायर के लिए और क्यूब के लिए, ये आप ट्रिक पकड़ लीजिए, एल और बी यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई इसको आप पकड़ लीजिएगा, ये आपका इसमें से बहुत सारा फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे फॉर्मूला बनेगा अभी देखिए आप इसको। अब इसका अगर हम बाउंड्री निकालते हैं, इसका रेक्टेंगल का यानी कि आयत का, देखिए बाउंड्री में क्या निकलेगा, ये अगर एल है तो ये सामने भी एल होगा, ये बी है तो ये सामने भी बी होगा। तो अगर हम बाउंड्री देखते हैं तो देखिए बी फिर एल फिर बी फिर एल यानी कि दो बार क्या आएगा एल और दो बार क्या आएगा बी। तो अगर हम इसका पेरीमीटर निकालते हैं यानी कि इसका परिमाप निकालते हैं तो परिमाप क्या निकलेगा, लंबाई देखिए दो बार आएगा और फिर चौड़ाई भी दो बार आएगा, दोनों को आप जोड़ दीजिए। अब ऐसा करते हैं कि दोनों में से दो कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2l प्लस बी, ये देखिए आपका आयत का परिमाप निकल गया, 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई, तुरंत ठीक साथ हो जाएगा। अब देखिए ये तो हो गया इसका साइड व्यू, अब अगर इसका हम 3D पिक्चर देखें, 3D आकृति इसका कैसा बनेगा, तो देखिए अगर आप इसको देखिएगा तो देखिए ये आपका फ्रंट व्यू है, ये एल है और ये बी, ये एल और ये बी जो ये आकृति आपको दिखाई दे रहा है इसी को हम रेक्टेंगल बोलेंगे, ठीक है। या फिर ये देखिए ये एल ये बी ये एल और ये बी, तो ये क्या होंगे, एक रेक्टेंगल होंगे। तो ये केवल फ्रंट से देखने पर, लेकिन अगर हम इसको 3D डायमेंशन में देखें इस प्रकार से तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा, देखिए एक ये रेक्टेंगल, एक ये रेक्टेंगल, एक ये रेक्टेंगल, यानी तीन रेक्टेंगल आपको दिखाई पड़ेगा इस तरफ का और तीन रेक्टेंगल आपको इस तरफ का, ठीक है। यानी ये देखिए एक रेक्टेंगल इसका एल बी, एक ये और एक ये, तो इसमें देखिए लंबाई हो गया, पीछे ये चौड़ाई हो गया और ये ऊंचाई हो गया। तो ये जो आकृति ऐसा बनेगा, इस आकृति को हम लोग बोलेंगे घनाभ, ठीक है। अब घनाभ में हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तो घनाभ में देखिए एक फेस ये, एक फेस ये, एक फेस ये वाला और एक फेस ये वाला, कितना बन गया देखिए, एक दो तीन और एक पीछे का, ये चार फेस। अगर हम इस चारों फेस का एरिया निकालें तब उसको हम बोलेंगे बक पृष्ठ एरिया, कर्व सरफेस एरिया, बक पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेंगे और इसको सूचित करेंगे CSA से। तो अब देखिए अगर हम इस क्यूबॉइड का यानी कि घनाभ का CSA निकालें, CSA मतलब क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया बक पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अगर इसका बक पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें तो कैसे निकालेंगे, बस याद रखिए देखिए ये जो 2l प्लस बी है इसी में ये हाइट को गुणा कर दीजिए, क्या निकल गया 2l प्लस बी इंटू एच, ये क्या निकल गया, ये जो घनाभ है उसका बक पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला, देखिए कितना इजी बन गया। अब अगर हम इसका TSA निकालेंगे कि टोटल सरफेस एरिया, कुल बक पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो अगर इसका हम कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या, देखिए एक दो तीन चार, एक ऊपर का फेस एक नीचे का फेस, ये टोटल का हमको निकालना है, ठीक है। ये जो घनाभ आकृति आप देख रहे हैं इसमें हम लोग क्या कहते हैं कि एक दो तीन और चार, चार का ही निकाले थे, ये दोनों को छोड़ दिए थे, लेकिन अगर हम ये पूरा का
एरिया निकाले, छेबो से सरफेस का एरिया निकालेंगे, तब उसको हम लोग बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया, यानी कि कुल या संपूर्ण वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। अब उसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए अगर टोटल यहां से देखिए एक एल और एक एल तो दो एल हो जाएगा, और फिर एक बी इसका, एक बी इसका, तो दो बी हो जाएगा, तो टू एल बी। और प्लस इसी प्रकार से अगर हम ये वाला कर्ण निकालेंगे तो इसमें भी क्या जाएगा, देखिए एक बी गुना एच, और फिर इसके पीछे इधर भी तो रहेगा एक बी एच, तो दो गो बी एच हो जाएगा, तो टू बी एच। प्लस ये सामने का देखिएगा तो यल गुना एच, तो यल गुना एच इधर और यल गुना एच इसके पीछे, तो हो जाएगा टू यल एच। अब देखिए दोनों में, तीनों में जो है दो कॉमन लीजिए, तो दो कॉमन लेंगे तो यल बी प्लस बी एच प्लस यल एच। ये देखिए आपको क्या हो गया, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, तो सब में ये हो गया। अब इसमें हम इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, वॉल्यूम मतलब आयतन। अब देखिए आयतन में क्या हो जाएगा, देखिए आयतन मतलब ये कितना जगह घेरे हुए, तो देखिए ये जो यल बी है, ये यल बी, यल बी, और इसमें ये हाइट ले लीजिए, तो यल बी गुना यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो देखिए एक दो तीन चार और एक पांच फॉर्मूला जो है आपका इस आकृति का हो गया। अब यहां पर देखिए स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि अगर ये सरफेस आप देखिएगा तो इसका ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, चारों भुजा अगर बराबर हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे, यानी वर्ग बोलेंगे। और वर्ग का क्षेत्रफल भी कैसे निकलेगा, तो यलबी ले लीजिए। अब यलबी अगर हम इसमें लेते हैं, देखिए अगर इसका एरिया निकालिएगा तो एरिया अगर हम इसको लेते हैं यल गुना बी, तो यल देखिए यल लंबाई, तो लंबाई कितना है ए है, उसके बाद चौड़ाई भी कितना है ए है, तो ए गुना ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर। तो देखिए याद रख लीजिएगा स्क्वायर यानी कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा देखिए, अगर इसका पूरा बाउंड्री निकालना है, देखिए ये 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 और ये, अगर ये पूरा बाउंड्री नहीं, इसका पूरा लंबाई निकालना, इसका यानी कि परिमाप निकालना, पेरीमीटर निकालना है, तो इसका जो है पेरीमीटर देखिए कैसे निकलेगा, देखिए एक दो तीन चार, यानी कि चार बार ए, चार गुना भुजा, क्या इसको लिख सकते हैं, चार गुना भुजा। तो देखिए ये दो फॉर्मूला बन गया। अब अगर इसका हम थ्री डायमेंशनल पिक्चर देखेंगे तो त्रिविमीय में देखिए ये ऐसा बन जाएगा, इसको क्यूब बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, क्यूब यानी कि घन। अब घन निकल गया तो अगर घन भी देखिएगा तो घन में भी छह फेस होगा, घन में भी कितना फेस होगा, छह फेस। देखिए एक दो तीन, एक इसके पीछे का फेस चार, एक इधर पांच, और एक नीचे छह फेस इसका होगा। अब अगर इसमें हम लोग निकालेंगे सी एस ए, सी एस ए मतलब क्या हो गया, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल मतलब चार फेस का निकालना, एक दो तीन और एक पीछे का, ऊपर और नीचे के फेस का क्षेत्रफल इसमें नहीं लेंगे, चार फेस का ही लेंगे। तो कैसे निकालेंगे देखिए, तो देखिए ये जो एक फेस है ये एक फेस का कितना है ए स्क्वायर, तो इसी प्रकार से चार फेस का निकालते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे, चार फेस का कितना जाएगा फोर ए स्क्वायर, यानी कि घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल फोर ए स्क्वायर। अब अगर इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया टी एस ए, तो क्या निकलेगा देखिए, टोटल में छह फेस हो जाएगा, तो छह और ए का स्क्वायर यानी छह भुजा स्क्वायर। अब अगर इसका वॉल्यूम निकालते हैं आयतन, अब देखिए आयतन अगर हम निकालेंगे यानी कि इसमें कितना जगह आ सकता है, तो आयतन में क्या होता है यल बी एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुना ऊंचाई। देखिए इसका लंबाई भी ए, चौड़ाई भी ए, और ये ऊंचाई भी ए, तो तीनों अगर ए है तो ए गुना ए गुना ए कितना हो जाएगा ए क्यूब, यानी कि घन का जो आयतन होगा वो क्या हो जाएगा भुजा क्यूब। तो देखिए एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ और दस, दस जो आपका फॉर्मूला है वो आपका तैयार हो गया, किसके लिए, आयत के लिए, घनाभ के लिए, वर्ग के लिए और क्यूब के लिए, घन के लिए। अब हम लोग इसका दूसरा फेज देखते हैं, अब आते हैं हम लोग सर्कल। अब देखिए इसमें जो हम लोग ले रहे थे इसका क्रिया क्या था, यल बी लेकर, देखिए यल बी पकड़नी है, यल बी यल बी यल बी यल बी, इसमें भी देखिए यल बी, यहां पर भी देखिए एक यल दो यल तीन यल चार यल, और चारों यल बराबर था तो इसको ए कर दिया, यानी कि यल बी को पकड़ करके ये आप दस फॉर्मूला बना सकते हैं। अब यहां पर पकड़ लीजिए आप पाई आर, ठीक है सर्कल के लिए क्या ले लीजिएगा पाई आर। अब देखिए पाई आर लेकर लेकर के अगर हमको वृत्त का परिधि निकालना, कैसे निकालिएगा, बस आप यहां पर टू लगा दीजिए, हो गया टू पाई आर, किसका फॉर्मूला हो गया वृत्त के परिधि का। अब अगर हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे फिर इसमें ट्रिक लगा दीजिए पाई आर ले लीजिए और इसमें स्क्वायर डाल दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया
फ्रंट व्यू यानी कि सामने से अगर देखेंगे तो ये वृत्त बन जाएगा, और अगर इसका 3D पिक्चर देखेंगे तो कैसा बनेगा, एक सिलेंडर जैसा बनेगा। यानी कि ये जो सर्कल है, इस सर्कल को अगर हम हाइट दे दें, ये इस प्रकार से देखिए आप लोग के लिए लाए हैं, देखिए ये वाला जो है ये आपका क्या है, सर्कल है, और इसी सर्कल को देखिए ये हाइट दे दिया, देखिए क्या बन गया है, सिलेंडर। अब अगर ये सिलेंडर बन गया तो इसका ये देखिए, अगर ये जो ऐसा गोल है, अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो इसको बोलेंगे वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। तो अगर हम इसका सिलेंडर का यानी कि बेलन का CSA निकालते हैं, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, तो क्या निकलेगा देखिए, तो ट्री देखिए पाई आर तो लेना है ये है, और इसमें ये अगर इसका हाइट यच है तो यच लेते हैं, और ये देखिए एक सर्कल दो सर्कल है, इसमें टू लगा दीजिए, तो टू पाई आर यच जो हो गया, ये हो गया, ये जो पूरा आप होल देख रहे हैं इसका साइड से जो पकड़े हुए हाथ से, ये इसका क्षेत्रफल। अब अगर इसका पूरा का क्षेत्रफल पूछे यानी कि PSA टोटल सरफेस एरिया, तो कैसे लिखाए देखिए, ये तो एक पूरा क्षेत्रफल रहेगा ही, और उसमें देखिए एक सर्कल ऊपर वाला और एक सर्कल ये पेंदी वाला, दोनों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो इसका क्षेत्रफल देखिए कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, और इसका भी पाई आर स्क्वायर, तो टू पाई आर स्क्वायर। तो इसमें अगर हम टू पाई आर स्क्वायर जोड़ देते हैं, टू पाई आर स्क्वायर देखिए, तो क्या लिखा जाएगा, पूरे का ये वाला का है ये वाला, और ये दोनों पेंदी का। अब इसमें से टू पाई और आर आप कॉमन ले लीजिए, देखिए टू पाई आर कॉमन, तो क्या बच जाएगा, H प्लस आर बच जाएगा, ठीक है, इसको यहां से काटते हैं। तो ये देखिए कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, और ये आ गया टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बेलन का। अब बेलन का आयतन निकालिए, वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम का आयतन निकालने के लिए देखिए ये पाई आर स्क्वायर ले लीजिए, और इसी में ये हाइट लगा दीजिए, तो ये देखिए आ गया वॉल्यूम सिलेंडर का, ठीक है। तो ये देखिए आपका जो है सर्कल का और ये सिलेंडर का आपका देखिए फॉर्मूला हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं कोण, कोण यानी कि शंकु, शंकु किसको कहेंगे, तो ये जो देखिए सर्कल है, इस सर्कल को एक त्रिकोणीय आकार दे दीजिए, ठीक है, ये जो सर्कल है आप इस पर एक त्रिकोणीय ऐसा तिरछा आकार दे दीजिएगा, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, शंकु बोलेंगे। जो आप झालमुड़ी झालमुड़ी खाते होंगे तो जो बना के देता है, जो पकड़े हुए रहते हैं हाथ में, वही क्या है, शंकु के आकार का है। अब अगर ये शंकु है तो इसका जो है CSA और फिर TSA और फिर इसका वॉल्यूम, ये हम लोग कैसे निकालेंगे, अब ध्यान दीजिए देखिए, CSA जो आप लोग पकड़े हुए रहते हैं, वो झरमुड़ी जो खाते हैं ठोंगा वाला कागज का, उसको जो पकड़े हुए रहते हैं, तो उसका बाहर से वो जो एरिया निकालेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। अब वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल के लिए इसमें भी देखिए ट्रिक क्या है, पाई आर लेना है, तो पाई आर इसमें भी ले लीजिए। अब अगर पाई आर ले लेते हैं, अच्छा ये वाला जो लंबाई है, ये लंबाई को हम बोलेंगे त्रियक लंबाई, ठीक है, इसको यल से लिखेंगे, ये लंबाई को बोलेंगे त्रियक लंबाई, इसको यल से, और ये देखिए ये जो हाइट है इसको यच से लिखेंगे, और ये जो सर्कल आप देख रहे हैं उसका ये केंद्र है, और ये यहां से यहां सर्कल का रेडियस है आर, ठीक है, ये हो गया पूरा शंकु। अब यहां पर देखिए अगर इसका CSA निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पाई आर में ये त्रियक ऊंचाई यल को गुणा कर, ये हो गया। अब देखिए अगर इसका टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल वक्र क्षेत्रफल निकालना है तो क्या लिखेंगे, ट्रिक देख लीजिए, पाई आर तो रखना ही है, इसी में यल प्लस आर कर दीजिए, उसके बाद इसका वॉल्यूम अगर आयतन निकालना तो ट्रिक देखिए, पाई आर तो रखना ही है, इसमें स्क्वायर कर दीजिए यच, और ये 1/3 होता है, देखिए पाई आर स्क्वायर किसका है, बेलन का आयतन, और उसका 1/3 भाग किसका होता है, शंकु का। अब यहां पर देखिए एक आप और निकाल सकते हैं, ये जो त्रियक लंबाई है यल, ये भी आप याद कर लीजिए, देखिए ये जो यल आया हुआ है त्रियक लंबाई, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, तो इसको निकाल सकते हैं यच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से, ठीक है, ये जो यल है इसको देखिए, ये जो यल कैसे निकालिएगा, देखिए ये एक त्रिभुज जैसा बन रहा है, अगर ये त्रिभुज जैसा बन रहा है तो देखिए सामने कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, और ये स्क्वायर इधर आकर के रूट बन गया, तो ये त्रियक ऊंचाई का फॉर्मूला हो गया। देखिए 10 फॉर्मूला इधर और 10 फॉर्मूला इधर, बिल्कुल एकदम चुटकियों में आपको याद हो गया होगा कैसे हम इसको ट्रिक से निकाल सकते हैं, इसके लिए याद रखिएगा यल बी, और इसके लिए याद रखिएगा पाई आर। अब आ जाइए स्फीयर, स्फीयर मतलब गोला, अब गोला क्या हो गया देखिए, ये जो इस तरह का आकृति है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, गोला। अब अगर ये गोला है तो इस गोला का देखिए, अगर हम लोग इस गोला का CSA निकाले और TSA निकाले, देखिए गोला का जो है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल दोनों बराबर होता है, ठीक है, और ये होता है, इसके लिए भी देखिए ट्रिक क्या है, पाई आर ले लीजिए, दोनों बराबर ही होगा, तो 4 पाई
क्यू, 4 पाई आर स्क्वायर। अब अगर इसका पूरा आयतन निकालिएगा कि इस जो ये गोला है इसके अंदर कितना हवा भरा हुआ है, उसका आयतन कितना होगा, तो इसका वॉल्यूम देखिए हम लोग निकाल सकते हैं पाई आर ट्रिक, और इसमें 4/3 कर दीजिए और इसमें क्यू लगा दीजिए, तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये आपका देखिए तो गोला का हो गया। इससे ट्रिक याद कर लीजिए पाई आर से, इसका भी ट्रिक याद कर लीजिए पाई आर से, इसका भी ट्रिक याद कर लीजिए पाई आर, ये सब पाई आर से बन जाएगा, ठीक है। अब अगर ये हेमी स्फीयर यानी कि इसको गोला को अगर हम बीच से यहां से इसे काट दें इस फुटबॉल को बीच से, तो वो जो आधा पार्ट बचेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, हेमी स्फीयर अर्धगोला बोलेंगे। और उस अर्धगोले का अगर कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं तो कर्व सरफेस एरिया इसका आधा कर देंगे कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। और अगर इसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, देखिए इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेगा, अगर देखिए तो अगर देखिए इसको अगर बीच से इसका काट देंगे तो ये आधा पार्ट आपका सामने का ये गोल दिखाई पड़ेगा, यानी ये वर्ग पृष्ठ की क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। और जब इसको काटेंगे तो यहां पर कटा हुआ पार्ट आपको देखिए ये इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा, तो पाई आर स्क्वायर उसका हो जाएगा। तो इसमें अगर हम पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर, तो टोटल निकल जाएगा 3 पाई स्क्वायर। और अगर इसका वॉल्यूम अगर हम लोग निकालेंगे आयतन, तो आयतन क्या हो जाएगा, देखिए इसको अगर हम काटते हैं बीच से तो जो पहले वाला आयतन था उसका आधा हो जाएगा, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये देखिए आपका, तो देखिए क्लास 10th के मैथ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन था उससे संबंधित जितना भी बेसिक फॉर्मूला था उसको हम लोग देख लिए। अब हम लोग इसका चैप्टर शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे 13.1। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि जैसे ही आप लोग के लिए वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप उसको देख सकते हैं। धन्यवाद।